भाई अभी होटल अशोक में पुणे में सनी पाजी हमको ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर आए। मैंने मंगाया मेदू वड़ा, हेमंत ने मंगाया इडली, मेरा बटाटा वड़ा सांभर विद पाव। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम आगे मुंबई के लिए, बाकी की बातचीत खाने के बाद। तो हो गया भाई अभी ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकलने की तैयारी में। हेमंत भाई हो गया क्लियर डन? सनी भाई हम लोग यहाँ पे रुके थे और सनी भाई गए थे उनके घर पे। सनी भाई मेरा अमानत दे दो, ये भाई ले लो, ये इनके घर पे रह गया था और ये मेरा एकदम फेवरेट वाला है। इसके साथ में और एक है पर मैं यही यूज़ करता हूँ, है ना, थोड़ा रहता है ना। तो थैंक यू सनी भाई। हेलो गाइस, आई एम प्रतीक, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग, भारी अपन भी लाइव भारी झालो है अपन, आता घरी चाललो है ना, तो फुल भारी है। पुणे का ना मुझे एक चीज़ बहुत सही लगा, यहाँ के रोड जो है ना सच में बहुत प्यारे रोड है यार। कल मैंने पुणे में जब मैं अंदर आ रहा था ना हाईवे से, क्या रोड थे हर जगह पे यार। और राइडर लोग को क्या चाहिए बताओ, अच्छे रोड मिल जाए और जहाँ पे एडवेंचर मिलना चाहिए वहाँ पे अच्छे से एडवेंचर मिल जाए, यही तो अपना लाइफ है। तो चलो सनी भाई, चलो भाई थैंक यू इतना ख्याल रखने के लिए हमारा यार। आपने आए वो मेरे लिए थैंक यू यार। नहीं सीरियसली मिलेंगे अभी फिर से, है ना, जरूर मिलेंगे, साथ में राइड करेंगे। सनी भाई भी राइडर है, इनका भी एक यूट्यूब का चैनल है, इंडियन रॉयल ट्रैवलर, तो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और यूट्यूब से ना मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे लोग कमाए अब तक यूट्यूब की जर्नी में, और सब लोगों ने भर के प्यार दिया, आप लोगों ने भी सब ने। चलो हाँ मिलेंगे फिर से। बाय। पुणे से मेरा घर 140 किलोमीटर है, आज का राइड एकदम कम किलोमीटर वाला है। पुणे से हम निकले 12 बजे, तो घर पे अगर 4 बजे पहुँच जाएंगे 5 बजे भी पहुँच जाएंगे तो भी कोई नहीं, पर एक अच्छा है कि जो भी डिसीजन हमने लिया है ना पुणे में रुकने का सबसे बेस्ट, क्योंकि ये देखो मेरा ये जो सिग्नल लाइट है ना, देखो लेफ्ट वाला नहीं जल रहा है, ये हो गया राइट वाला भी नहीं जल रहा है। और क्या ना 10-11 बजे तक राइड करना ठीक लगता है, पर उसके बाद में तो मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि बारिश भी आ रहा था, उसमें हवा तेज़, और क्या होता है ना बाजू से जो ट्रक वगैरह जाता है कार जाता है ना, तो उनका जो कीचड़ का जो छीटा होता है ना वो जो उड़ता है ना वाइजर पे, उसके वजह से भी धुंधला सा हो जाता है, सामने कुछ दिखता नहीं। इसलिए मैं हर टाइम कहता हूँ कि लाइफ के साथ में रिक्स लेने का नहीं, लाइफ है तो आगे ट्रैवल बहुत है। रेनकोट पहना नहीं है मैंने अभी निकलने के टाइम पे, क्योंकि धूप निकला है ना अच्छा सा, पर एक है लोनावला खंडारा में बारिश मिल सकता है तो वहाँ पर पहन लेंगे। तो जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे लिखा है मुंबई 137, और इसके थोड़ा ही पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे लिखा है मुंबई 133। अरे क्या पागल बना रहे क्या। मैं पुणे से निकलो है, 20 किलोमीटर का हमारा राइड हो गया है, अभी बारिश हल्का हल्का सा आ रहा है तो रेनकोट पहन लेते हैं, नहीं तो फिर कैसे ना अचानक में आ जाएगा ना, तो एकदम घाई घाई में सब करना पड़ता है, इसलिए पहले से ही सेटअप कर देते हैं रेनकोट का। एक अच्छा है कि ये रेनकोट का जो साइज है ना ये बड़ा वाला साइज है, क्योंकि कैसे है जैकेट का ये जो रहता है ना, फिर ये जैकेट फूक जाता है ना एकदम, तो इसके ऊपर आराम से बैठ रहा है। बारिश का कुछ भरोसा नहीं है ना, अभी कितना अच्छा धूप था और अब देख एकदम से जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। ये देखो जादू दिख रहा है जादू, एक काम कर धूप धूप बोल, धूप आ जाएगा बारिश चली जाएगी। कैसा कैसा था वो? ऐसा ऐसा ये वाला राइड जो है ना भाई वो बहुत ही मस्त हो गया। हेमंत और मैंने ना एकदम खाना पीना एकदम पेट भर के खाया, और हेमंत के साथ में मेरा सेकंड राइड है। इसके पहले जो राइड था ना वो रत्नागिरी कोल्हापुर फिर मालवन वगैरह वो सब किया था, 4-5 दिन का कुछ राइड था, और ये वाला हमारा टोटल 7 दिन का राइड हो गया 1 वीक। आने वाले टाइम में एकदम बड़े बड़े प्लान करना है, वो 7-8 दिन के नहीं रहेंगे, ये तो एकदम नॉर्मल सा राइड हो गया, ये तो अभी कुछ लगता ही नहीं 6-7 दिन का, एक 20 दिन 25 दिन 1 मंथ गायब। रेनकोट पहन के 5 मिनट भी नहीं हो गया राइड करके, और ये देखो धूप आ गया, अभी समझ ही नहीं सकते ना मौसम को। यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है एक, मुझे रिवर है, रिवर के बाजू में रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बाजू में ये रोड है और ये पहाड़, और अचानक से भाई एकदम मौसम ख़राब हो चुका है, मौसम ने जज्बात अपने बदल दिए, अभी दूर दूर तक एकदम मौसम खराब ही दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ रिपोर्टर टूरिंग लाइफ प्रतीक सूर्य के साथ में। तो अभी की न्यूज़ ये है कि विंड ब्लास्ट यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों से है, और हमारा जो स्कूटर है ना वो ऐसा हिल रहा है, तो राइड करते करते हम झूला झूलने का भी मज़ा ले पा रहे हैं।
पागल है यार, बीच में से चल के आ रहा है। लोनावाला 6 किलोमीटर, मुंबई 104 किलोमीटर। बारिश सच में एकदम कुछ ज़्यादा ही आ गया, पर कोई नहीं यार, अभी राइड अपना ख़त्म होने वाला है कुछ किलोमीटर के बाद में, तो बारिश तो आना चाहिए ना, तो राइड अपना पूरा हो जाएगा। तो भाई और लोनावाला में हम लोग आ गए और बारिश देख लो आप, तो भाइयों ये आ गया खंडाला का व्यू पॉइंट। जब मुंबई से गोवा जा रहा था वो टाइम पे भी आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि फॉग था, और अभी रिटर्न मुंबई जा रहा हूँ वो टाइम पे भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फॉग है, कुछ भी नहीं देख रहा है, इतना फॉग है। आप लोग भी अगर खंडाला घाट आ रहे हो तो बहुत संभाल के राइड करना। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, मेरा सिग्नल लाइट लेफ्ट राइट का दोनों ही बंद है, फ्यूज़ है ना शायद से उड़ गया। तो हेमंत तो मेरे पीछे है, कोई टेंशन नहीं, और आगे ये सब कार का लाइट को देख के आराम आराम से जा रहा हूँ। थंबनेल लेने के लिए हम लोग बार बार भूल जाते हैं, तो आज अभी याद आ गया तो पहला थंबनेल ले लेंगे। तो हो गया भाई वो थंबनेल निकाल के, और एक बात मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग में बताऊँगा, पर वो बात ऐसी कि निकल नहीं रही थी। एक भाई है अपने टूरिंग फैमिली के मेम्बर ही है, उनका मुझे DM आया था कुछ दिन पहला, तो उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था मुझे, उनका ही कुछ था, तो वो मैंने देखा नहीं एक दो दिन, तो उसके बाद में उनका फिर से मुझे DM आ गया कि इतने जल्दी आपको घमंड आ गया, ये पता नहीं था हमें। तो वो चीज़ देख के मुझे बुरा भी लगा कि लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचे, जो भी आपका पोस्ट है वो देखा नहीं है या मतलब उस पर रिप्लाई नहीं किया है, तो आप मतलब मेरे बारे में इतना गलत समझ सकते हो, ऐसा नहीं होता है ना। बस मैं एक ही कहूँगा भाइयों, क्या है ना, अभी पहला जो मेरा सब्सक्राइबर बेस था वो कम था और मुझे कम DM आते थे, तो मैं सबको रिप्लाई कर पाता था, और अभी कैसा हो रहा है ना, अभी जितना सब्सक्राइब बढ़ रहा है उतना DM भी ज़्यादा आ रहा है, दिन का 50-100 DM आ रहा है, तो उसमें कैसा होता है सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। और महीने का जो 15 दिन या 20 दिन हम बाहर रहते हैं ना, तो बाकी का दिन जितना भी हम घर पे है ना, वो टाइम फैमिली के साथ में बिताना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर पे मॉम डैड भाई है, मेरा डॉग है, मेरा वाइफ है, तो इनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमको टाइम मिलता है तब हम रिप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ भाइयों ऐसा गलत मत समझना, क्या बोलते हैं। बराबर है, देखो एक बात बोलूँगा कि देख जो भी मेहनत करे, जो भी आपको दिख रहा है इसके पीछे बहुत स्ट्रगलिंग है, तो इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर आप ऐसा नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हम लोग को भी किधर से बुरा लगता है, तो आप प्लीज़ ऐसा गलत मत समझना, क्योंकि कभी तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो समझ के लेना। बस यही बात करना था, चलो कोई नहीं, जो भी है सब सही है, अभी राइड अपना चल रहा है, ये वाला राइड अपना एंड हो रहा है, ये वाला राइड बहुत अच्छा हो गया, खाना पीना हमने एकदम दबा के खाया है ना, और फिर रोज चिकन खाया हम लोग ने, और गए साल भी मैंने जैसा कहा आपको पीछे भी कि हमने 4-5 दिन का राइड किया था, ये वाला हमारा 1 वीक का राइड हो गया, पर आने वाले जो राइड रहेंगे वो हमारे रहेंगे 15-20 दिन के, उसके लिए अभी से चीयर्स। हाँ एक्सीडेंट, कितना ट्रक ही पूरा नीचे गया हो। राइड का जो आखिरी वाला दिन होता है ना, जब हमको घर पे जाना होता है, वो सबसे डिफिकल्ट डे होता है पूरे राइड में, क्या ऐसा लग रहा है ना कि किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठाणे घर से एकदम नज़दीक आ गया हो, तुरबा भी क्रॉस किया है, अभी हेमंत को मिलते आगे, फिर घर पर ही मिलेंगे। तो भाइयों हम अभी हमारे घर के एकदम पास में आ गए, बस अभी यहाँ से मेरा जो रास्ता है वो सीधा है, और हेमंत का जो है वो उसको आगे लेफ्ट लेके उसका रास्ता अलग है। तो हेमंत चलो, बहुत अच्छे से राइड हो गया, बहुत मजा गया, और एकदम सेफली कंप्लीट हो गया ये वाला राइड, अभी करेंगे नेक्स्ट राइड का प्लान जल्दी। नहीं ये हो नहीं सकता कि मुंबई में आए और ट्रैफिक ना मिले, ये कभी नहीं हो सकता ना। तो भाई गोवा राइड से अभी घर पे आ गया हूँ, और बहुत ही बढ़िया हो गया राइड, 1 वीक का पूरा राइड था हमारा। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि गोवा राइड का बजट वीडियो ज़रूर बनाना, पर बजट वीडियो मुझे ना सेपरेट बनाना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि लद्दाख वगैरह जैसा बड़ा राइड होगा तो सेपरेट वीडियो बनाना सही है, तो सोचा यही वीडियो के एंड में आपको बता दूं कि बजट कितना हुआ है। तो ये है अपना पूरा गोवा राइड का बजट। तो भाइयों आप में से भी किसी भाई को अगर प्लान करना है तो आप भी प्लान कर सकते हो, पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि RT-PCR का रिपोर्ट जो है वो लेकर जाना, गोवा बॉर्डर में आपको RT-PCR चेक करेंगे, पर गोवा से जब आपको महाराष्ट्र आना है तो आपको कोई भी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात याद रखना और फिर ट्रैवल पे जाना। और एक बात ज़रूर कहूँगा, आप लोगों का हर टाइम के जैसा ये वाले राइड पे भी बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, तो भाइयों थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और ऐसा ही आपका प्यार मेरे साथ में बनाए रखे। बाकी सब भारी, अपन भी लाइफ भारी।
तो मिलते हैं ऐसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।